और ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये यहाँ का मेन बिजनेस है, ये है सेब के बगीचे। हम करते हैं एंटर, जरा दादा दादी से मिलाते हैं आपको। दादाजी नमस्ते। बढ़िया बढ़िया, कैसे हैं दादी जी? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बढ़िया बढ़िया। हमारे भाई जी अभी भी सो रहे हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं सोने का, जो कि है 12:40। बाहर धूप लगी हुई है। वो पिछला ब्लॉग जो आपने देखा उसको एडिट करते करते रात के 2 बज गए थे, इसलिए मैं लेट सोया। चलो चलते हैं, बहुत सो गया तू। मॉर्निंग मोनी जी। गुड मॉर्निंग सबको। मॉर्निंग का गोर है आफ्टरनून हो गया। हां ओए आफ्टरनून हो गया। हमारी मॉर्निंग हुई ना अभी, मेरी थोड़ी ना हुई। बड़ा जल्दी आया मम्मी जी को समझ है। बिस्तर से लगाए कुछ वाइट वाइट जैसे। अरे यहां पर बिस्तर इतने कंफर्टेबल ना, मेरा मन नहीं करता उठने। सबसे पहले थोड़ा मुंह साफ कर लेते हैं दोस्तों। ये ब्रेकफास्ट के लिए एक चाइनीज डिश है, ये बनते हैं आटे के। अब करते हैं ब्रेकफास्ट। तेरे को दूं? नहीं। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है खत्म। अब आप लोग मेरे साथ बाहर चलो, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आज हमारा क्या प्लान होने वाला है ब्लॉग का। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक गांव, जिस गांव का नाम है तितरी। उस गांव में मेरी जो दादी हैं और मेरे जो दादा हैं वो दोनों रहते हैं। तो हम जा रहे हैं मेरी दादा और दादी से मिलने। उन्होंने हमको कॉल करके कहा था जब घर आओगे छुट्टियों में तो पक्का आना हमसे मिलने के लिए। तो फाइनली हो चुके हैं मुंह हाथ धोकर तैयार, अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि वहां को चलने के लिए भी बहुत ज्यादा है ना, तो अभी हमारे को ट्रैक करना पड़ेगा उस गांव तक पहुंचने के लिए। तो चलो, मेरे घर के बिल्कुल सामने पापा और भाई ने ये बनवाया है। ये पता किस लिए बनवाया है? सर्दियां आ रही है ना अभी, तो सर्दियों में लकड़ियां यूज होती है ना आग जलाने के लिए, तो यहाँ पे होगी लकड़ियां स्टोर। अब ये बारिश और बर्फ से बचाएगा इन लकड़ियों को। पहले जो ये लकड़ियां स्टोर करने के लिए ऐसा ही सेम स्टोर बनाया हुआ था, वो उस तरफ था, जो कि वो फ्लड जो है अपने साथ बहा ले गया। गुनू आजा 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 आजा, सट्टेबाजी करो सट्टेबाजी। यहाँ देखो दोस्तों, मेरा मेरा पप्पी पप्पी नहीं, वो बुढ़ा हो गया। बुढ़ा हो गया सही में, गुनू बुढ़ा हो गया। अभी तो तू जवान है रा, नहीं है तू बुढ़ा भाई। अब पैदल चलने को देख कितना। मैं नहीं डरता हूँ पैदल चलने छोटे। ये जो स्वेटर देख रहे हैं आप, जो इसने पहनी हुई है, ये मम्मी ने खुद गूंदी है। तो चलो दोस्तों गुन्नू को भी ले चलते हैं अपने साथ दादी से मिलने। ये करेगा हमें प्रोटेक्ट बुरे लोगों से, जंगली जानवरों से। सकते हैं शेर, भालू। पिछली बार भालू से लड़ते हुए मेरे स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए थे। अब ऐसा लग रहा है जैसे फेमिलियर नहीं है जगह, मैं जैसे यहाँ पे बचपन में था ही नहीं, बहुत ही अलग हो गया है यहाँ पे। सच में कोई नई सी जगह लगती है। नई सी जगह में आ गए हम, जैसे कसोल कसूल साइड आ गए। देखो दोस्तों ये जो पेड़ है ना, और वहाँ पे जो आपको एक विराजने के लिए स्थल दिख रहा है, ये हमारे देवता जी का है, तो इसलिए हम यहाँ पे आके कुछ इस तरह से माथा टेकते हैं। तो जहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं जिस गांव में, वहाँ जाते हुए बीच से आपको रास्ता मिलेगा, और इधर उधर बहुत सारे बड़े बड़े हरे हरे पेड़ मिलेंगे और हरी हरी पहाड़ियाँ मिलेगी। तो बिल्कुल जंगल के बीच से रास्ता है। और ये पता नहीं कौन है, ये गुनू की कोई नई फ्रेंड है या पता नहीं गर्लफ्रेंड है, कुछ तो है। थोड़ी देर आराम करेंगे अब यहाँ पे बैठ के हम पत्थर के पास, और मैं आपको दिखाता हूँ ये। दोस्तों ये जो पानी है ना, ये बहुत ही ज्यादा साफ और ठंडा है। चलो एक चीज शेयर करता हूँ, जो मैं आपको ये वाली जगह दिखा रहा हूँ ना, जब मैं छोटा था ना यहाँ पे नहाते थे हम, उस टाइम जब हम छोटे थे, तो
चलते हैं अब दोस्तों, अब लेट भी हो रहे हैं, समय भी हो जाएगा, इसलिए चलते हैं अब। और अभी इस मोमेंट पे मैं कह सकता हूँ कि मैं सेंटर में हूँ और मेरे चारों ओर सिर्फ हरियाली है। कितना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। वो देख कहाँ पहुंच गया वो भाग गया ऊपर ही। और दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है भगवान जी का। और यहाँ देखो एक छोटी सी और नदी बहती है, यहाँ से टॉप से आती है, टॉप से। तो हमारे को चलते चलते आधा घंटा हो चुका है कंटिन्यू, और गर्मी लग गई है तो हम दोनों अब निकाल रहे हैं जो भी हमने बाहर से ओढ़ा हुआ था। जंगलों के बीच से ये जो रोड है बस थोड़ा सा आगे तक रहता है, उसके बाद चढ़ाई स्टार्ट हो। कितने बजे निकलता है सुबह घर से गाय चराने के लिए? 10 बजे। कितने बजे तक चराएगा शाम के? स्कूल से जो गांव के बच्चे हैं ना उनको आजकल छुट्टियां हैं, तो छुट्टी के दिन वो लोग अपनी जो उनकी गाय उन्होंने पाली होती है भेड़ बकरियां उनको चराने के लिए चले जाते हैं, है ना गुनू? हाँ बोल। है क्या कर रहा है? ये देखो दोस्तों, ये जो अभी उड़ा यहाँ से, ये है जंगली मुर्गे जो यहाँ पाए जाते हैं। तो गाइस जब भी कहीं ट्रैक पर जा रहे हो तो पानी की बॉटल साथ में ले जाया करो, नहीं तो हमारी तरह पछताओगे। हमें बहुत प्यास लग रही है बट पानी की बॉटल है नहीं साथ। दोस्तों यहाँ पे जो ये पानी है ये बिल्कुल साफ है, तो इसको हम पी सकते हैं क्योंकि गांव के सभी लोग इस पानी को पीते हैं। और ये ऊपर टॉप से आता है पहाड़ियों से, तो इसी पानी से अपनी प्यास बुझाएंगे और बहुत टेस्टी होता है पानी। इस पानी का टेस्ट बहुत सही होता है। तो चलिए चलते हैं, अब यहाँ से ऊपर जाना है हमने चढ़ाई पे। अब बस गाइज हमें अब चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, अब हम चढ़ाई चढ़ेंगे यहाँ से। बैठ जाते हैं थोड़ी देर, थक गया हम। चल चल बढ़िया सा स्पॉट देखते हैं आराम करने के लिए। ये स्पॉट ठीक है, यहाँ पे बैठते हैं। आगे जा, आगे और आगे। ये क्या जा रहा है वहां चढ़ के जाना? रोड इज द टास्क। अब झुला ऐसे होते थे पुराने जमाने में बंदर हमारे, इन्हीं से इवॉल्व हुए चलो चल बैठ, क्यों रहा है करेगा चुपचाप चल, ऐसे कैसे नहीं हो रहे हैं? चलो गाइस इसको उठा के ले चलता हूँ मैं, रुक जा आराम से चलूंगा। कैसे बीड़ों में ये रास्ता है और गहरी खाई, हल्की सी चूक और इंसान भगवान को प्यारा हो जाए, इसलिए बिल्कुल सेफली चलेंगे हम। हर एक कदम सावधानी पूर्वक रखना पड़ेगा। ऊपर जाके दादी जी जब अपने उस ठंडे पानी की टंकी से ठंडा पानी पिलाएंगे ना हमें, मजा आ जाएगा। तो गाइस हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये है ये जो घर देख रहे हैं आप, ये बहुत ही पुराना घर है, एक शायद अब मेरे को पता नहीं है ना, पर बहुत पुराना है। मेरे को पता रहा कितना पुराना है, मेरे दादा बताते हैं जब वो छोटे थे 14-15 साल के तब बनाया था ये वाला घर, और अभी मेरे दादा होंगे 80+। तो ये वाला घर जो है बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और यहाँ से बस थोड़ा सा रहता है मेरी दादी का घर भी ऊपर। तो गाइस अब हम पहुँचने वाले हैं, 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। और ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ का मेन बिजनेस है, ये है सेब के बगीचे। यहाँ नीचे से स्टार्ट होते हैं, बॉटम से और ऊपर तक बस फैले होते हैं, और यहाँ का मेन बिजनेस पूरे हिमाचल का सेब माना जाता है। यहाँ पे दोस्तों लड़ाई हो रही है, पर से वो भाई का कुत्ता है हमारा कुत्ता है, अब हम दोनों अलग कर रहे हैं इनको, पर से देख रहा है वो भी। तो दोस्तों ये पहुँच चुके हैं हम, यहाँ पे दादा दादी रहते हैं, मेरे पापा का बचपन भी यहीं पे बीता है। तो चलो अंदर चलते हैं, दादा दादी से मिलते हैं, दिखाता हूँ आपको। लेट कर रहा था इसको खारिज कर करके यार, भाई गया वो। चल चल चल
खाने दे लस्सी। वाह व्यू है भाई जी, तगड़ा ही यहाँ पे। वहां ये जगह है थोड़ी अंडररेटेड ना, टूरिस्ट को पता लगे ना यहाँ के बारे में, और यहाँ कोई होमस्टे वगैरह रखे तो आएगा, पता नहीं है ना यहाँ के बारे में। बात है वो। चलो बिजू भाई को दो, इसको लस्सी पिलाने गुनू को। हम करते हैं एंटर, जरा दादा दादी से मिलाते हैं आपको। दादाजी नमस्ते। ओ दादा राजी बाजी। बढ़िया बढ़िया, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, बढ़िया। बैठो। तो दोस्तों मिलिए मेरे दादाजी से। देखो दादाजी कितने सफेद बाल हो गए आपके, क्या उम्र हो गई? उम्र 85। कितने टाइम बाद मिल रहा हूँ मैं आपको, याद नहीं आती आपको मेरी? साल तो हो गया। साल हो गई? साल नहीं हुई यार, न्यू लिया थे आप अभी। दादी जी अंदर है। दादी जी नमस्ते। बढ़िया बढ़िया कैसे हैं आप? बढ़िया तू बोला। बढ़िया आदर थी आपकी, देखो आज आया मैं तब। यहाँ देखो दादी क्या बना रहे हैं भाई जी, यहाँ देखो मेरी पहाड़ी दादी का देसी खाना। हाँ दादी जी होते हुए नहीं ताजी। बढ़िया बढ़िया गुनू रखा अंदर। हाँ यहाँ रख इसको। दोस्तों व्यू देखो यहाँ से जरा, क्या ही सुंदर व्यू है यार। अंदर है। आज आए हम, दिवाली की छुट्टी होगी है ना, तब आए हम पिछले कल। फिर भी जुबाई ने बोला था मेरे को पहले ही कि दादा दादी का फोन आया था, उन्होंने बोला ऊपर आना बोला, तब बोला मैंने कल जाएंगे, रात को पहुंचे ना पिछले कल हम। फिर गए हम कल। ये डालूंगा मैं यूट्यूब पे, देखना आप देखते हैं। मेरे दादा के लिए लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मेरे दादा फॉरेस्ट गार्ड रह चुके हैं और पूरे हिमाचल में ना हर एक जगह इन्होंने ड्यूटी की है, सर्विस की है। कितने साल की है दादाजी सर्विस आपने? 40 साल अपनी लाइफ की दी है दादाजी ने सर्विस में। बीओ रिटायर्ड है। तो मेरे दादा को दुनियादारी का बहुत नॉलेज है। तो आजकल दादाजी यहाँ पे रह रहे हैं, शांत सी जगह में। यहाँ का नाम तित्री है। और यहाँ का व्यू, ये है व्यू देखो दोस्तों यहाँ से। और यहाँ से हम है खेत हमारे। पानी पीते हैं जरा। यहाँ का पानी ना इतना टेस्टी और इतना ठंडा होता है ना, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मजा आता है यहाँ पानी। ओ ये टंकी है, पर इससे पानी कैसे निकालूं मैं अब? अच्छा यहाँ है देख। ये पहाड़ी काम रखे, खोल इसको। चलो अरे कोई बात नहीं दादाजी। बड़ा ठंडा पानी है, मजा आ गया। इतना ठंडा नहीं होता है। अरे कुछ नहीं होता दादी जी। अब देखो अब लगा है नीचे देखने, कुत्ते को देख रहा है किसी और को, फिर जाएगा लड़ने। नहीं तो बाहर जाके लड़ेगा, फिर स्यापा कर देगा खड़ा यहाँ। बैठ पीछे। इतनी शांति मिली बोला उसको, पीछे ठंडा हो गया। हाँ जी दादी जी, यहाँ देखिए दादी, ये आलू आलू की भर रहे हैं ना आप इसमें। इसको है। बोलते हैं आलू की बेड़ी, ये बनाई होती है बहुत सारे कचौरी बोलते हैं। और घी में तल रहे हैं इसको, ये तेल नहीं है घी है गाइस, और देसी घी है और बहुत टेस्टी होता है ये। हमारी पहाड़ी दादी का देसी खाना दिखाऊंगा आज आप लोगों को। और यहाँ पे मेरे पापा का बचपन बीता है इस घर पे। और ये टीवी है जहाँ पे मेरे दादा दादी रोज रात को रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं बस। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इनको रामायण महाभारत के बारे में पता ना हो। क्यों दादी आजकल कौन सा नाटक देख रहे हैं टीवी में? बस रामायण महाभारत कृष्ण लीला ऐसे देखते, कृष्ण लीला देखते हैं, साधना देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे। सारा देखते हैं, ये वाला भी देखना है, ये भी डालूंगा मैं। और यहाँ है मेरी धार्मिक दादा दादी का पूजा घर। ये
अचार मेरे दादा बनाते हैं अचार, और बहुत टेस्टी अचार बनाते हैं। चलो बाहर जाके दिखाता हूँ तुम लोगों को अच्छे से। यहाँ देखो भाई, इसको सुधरेगा नहीं। चुबा, देखते हैं जरा भाई का अचार कैसा होता। बचपन में खाया था आप ही ने बनाया था, वो भी छोटे जब थे हम, पर टेस्ट नहीं याद रहा ना इसका। दोस्तों खाना खाने का मजा आया ऐसी शांति में, हल्की हल्की धूप लगी हो ऐसी सर्दियों में, और सामने ऐसा व्यू, मजा नहीं लाइफ। दादी जी प्लेट कहाँ रखूं? नहीं नहीं नहीं, गुद नहीं, इधर भी दही पानी आ रहा। पकड़ पकड़ बीजू भाई, आपके हाथों में जादू है। सुकून है ना, सुकून वो यहाँ पे है, होती है। हाँ तो ये वाली, अच्छा हाँ ये बोने शक्कर पारे ये खाए इनका काफी है, रद्द होने रद्द से नहीं नहीं काफी है। कुछ नहीं खाना, वो भूख गया रद्द जोन। दादा दादी खिला खिला के ना आज लाया, बनाना फुल कर देते हैं, मटर मंगाया। अब ये बाकी घर वालों के लिए पैक कर रहे हैं, मम्मी पापा भाई के लिए। गुनू गुनू, व्यू कैसा लगा? दादा दादी के घर का व्यू कैसा है? चलो ये तो बोलता नहीं है, आप बताओ कैसा है। तो देखो दोस्तों, ऐसा है जब तक दादी जी सामान पैक कर रहे हैं ना, ये नहीं दादी जी ये तो करना ही मत, ये नीचे ऐसा नहीं कुछ होता यार। नहीं 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 त्याग दिया वाह मम्मी, आजू मम्मी नहीं लोड़ी दादी जी जी बोलो। रुको 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 रुको, ये रखो ये रखो, तू आ गया मोह करनी हट पैसे दे के भेजते हैं यहाँ से, बड़ी जबरदस्ती करते हैं, बड़े हो गए थोड़ी शर्म भी आती लेते हुए। अपने पाई पांदे हो तो दादू स्टैंड दादी जी और दादाजी समझा रहे हैं अपने पैरों पे खड़े होना, जहाँ तुम पढ़ाई करे वहाँ किसी प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना। प्यार होना जिंदगी भर सब बाद, एक बार इतनी पढ़ाई करिए लोड़ी सु और थे भी लागी नहीं। यहाँ से ना गाय नीचे है, अच्छा खेत में वो अच्छा वो खुद अकेले होती है, उसके साथ कोई नहीं होता चराने, खुद आती है खुद जाती है खुद आती है। देखो कितनी समझदार गाय है भाई, यहाँ पे रहती है गाय भाई। तो ये है गौशाला यहाँ की, और यहाँ पे रखा है गाय के लिए घास। जाने से पहले एक ग्लास दूध पी लेते हैं अब, फिर निकलते हैं। बाय करो, बाय बाय बाय, ठीक है बाय करो दादी। तो दोस्तों ये वाला जो आप बैग देख रहे हैं, ये भर के दे दिया है, जब भी दादा दादी के पास आते हैं ना पूरा सामान भर के दे देते हैं वो हमारे पास। मैं अगर एक हफ्ता दादी जी के साथ रहूंगा ना, मैं बहुत मोटा हो जाऊंगा, सेहत बन जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, कमेंट करके पक्का बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।